हेलो एवरीवन, आज है संडे और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। मेरी बहन की शादी है तो उसके लिए मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ मार्केट। आज हम लोग जाएंगे अमीनाबाद, अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ मैं। तो चलिए आप लोग भी देखिए लखनऊ का अमीनाबाद कैसा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो अब मैं निकल गई हूँ घर से और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। बाइक से जा रहे हैं हम लोग, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। आधा घंटा लगता है मार्केट जाने में, तो चलिए आप लोग भी साथ में। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम लोग मार्केट। ये देखिए, ये है लखनऊ का अमीनाबाद मार्केट। और आज संडे है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। एकदम से पैदल चलने की जगह नहीं है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे भीड़ लगे हुए हैं, और बाइक पार्क करने का तो जगह ही नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। संडे था, हम लोग पहले से ध्यान नहीं दिए और आ गए। तो चलिए अब चलते हैं मार्केट के अंदर। तो ये देखिए, यहाँ से मार्केट की शुरुआत होती है। यहाँ पे बहुत सारे सूटकेस वाले ट्रॉली बैग हैं, और यहाँ पे सारे चीज़ मिलते हैं, जितने भी ज़रूरत के सामान होते हैं वो सारे कुछ मिलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, जितने भी यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, लोग अपना बिजनेस यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं, अपना सामान बेच रहे हैं। अगर जो लोग लखनऊ के होंगे उनको तो पता ही होगा, आते ही होंगे वो लोग यहाँ पे, क्योंकि ये लखनऊ का फेमस मार्केट है, अमीनाबाद मार्केट। और यहाँ पे ज़रूरत की हर सामान मिल जाती है, और वो भी एकदम रिजनेबल प्राइस पे। ये देखिए, यहाँ पे फ्लावर पॉट्स बिक रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर। ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे जूतियाँ और चप्पल बिक रही हैं, बहुत ही सस्ते में मिल रही हैं ये। यहाँ पे बहुत सारे इयररिंग्स बिक रहे हैं, और इन सब का प्राइस लगभग 50, 60, 70 ऐसे ही हैं। और ये गले का सेट भी है यहाँ पे, जिसका प्राइस 100 रुपये बता रहे थे ये भैया, बट मैंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे इयररिंग्स है और मैं उतना पहनती भी नहीं हूँ। मैं गोल्ड इयररिंग ही पहनती हूँ, इसलिए मैं कुछ लेती नहीं हूँ ज़्यादा। और ये मार्केट बहुत अच्छा लगा हुआ था, यहाँ पे जैकेट भी बिक रहे थे और बहुत सारे कुर्ती भी बिक रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे सब कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कुर्ती है, बहुत प्यारे प्यारे थे, और इसके साथ इसका बॉटम पार्ट भी बहुत सुंदर सुंदर बिक रहा था। और ये सब काफ़ी सस्ते दाम पे मिल जाते हैं, और डेली वेयर के लिए ये सब अच्छे भी होते हैं, बहुत लोग लेते भी हैं। यहाँ कुछ हैंडबैग्स भी मिल रहे हैं, और इनकी प्राइस लगभग 200 और 150 है, और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में, बहुत सारी लड़कियां ले रही थी। और ये देखिए, ये है लखनऊ का फेमस लखनवी कुर्ती, बहुत ही कलर कलरफुल हैं सब, बहुत ही प्यारे प्यारे। एक अंकल यहाँ पे बेच रहे थे बटर मक्खन, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैं इसे मक्खन ही बोलती हूँ, तो मैं सोची चलो खा लेते हैं। ये सारी जूतियाँ देखिए बहुत प्यारे प्यारे हैं, और इसकी कीमत 150 और 100 है, बहुत अच्छे लग रहे थे ये सारी जूतियाँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दुकान में और देखते हैं ड्रेस कैसा है। ये यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे लहंगा बिक रहे थे, हम देख के एकदम मन खुश हो गया था, बहुत सारे लहंगे थे, बहुत सारे वैरायटी थे यहाँ पे, और इसके कलर भी बहुत अच्छे हैं। इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे कि चलने में भी दिक्कत हो रहा है, और जिस दुकान में जाओ बस भीड़ ही भीड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लूँ क्या करूँ। संडे की वजह से शायद ज़्यादा भीड़ है। साड़ी भी बहुत सुंदर सुंदर बिक रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए मार्केट, यहाँ ब्लाउज बिक रहे हैं सुंदर सुंदर। तो अब हम लोग आ गए हैं एक दुकान में, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बिक रहे हैं। देखिए हम लोग को कौन सा पसंद आता है, हम लोग इसी दुकान में आए हैं। बहुत सारे गाउन भी हैं यहाँ पे, शरारा सूट भी हैं और प्लाजो सूट भी है, बट देखिए कौन सा पसंद आता है,
अभी हम लोग मांग। तो देखिए अब हम लोग ड्रेस देख रहे हैं, ये जो नीचे ऑरेंज कलर का ड्रेस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और ये यहाँ पे स्काई कलर का है वो भी पसंद आ रहा है मेरे हस्बैंड को। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा वाला ले, अभी हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस हैं। और ये भैया दिखा रहे थे हम लोग को, और ये रेड कलर का ड्रेस था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ऑरेंज कलर का ये एक अनारकली सूट है, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। बट अभी हम लोग ने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा वाला लेना है, देखिए अभी हम लोग क्या लेते हैं। तो गाइज हो गई है हमारी शॉपिंग, अब हम लोग जा रहे हैं घर। चलिए आप लोग भी मेरे साथ घर, घर चल के मैं आप लोगों से बात करूँगी, तब तक एंजॉय कीजिए आप लोग बाइक राइडिंग। गाइज़ ये देखिए अभी मैं रास्ते में हूँ, घर जा रही हूँ, और मुझे यहाँ पे पीकॉक दिख गया है, और मैं रुक के थोड़ा सा ऐसे ही छोटा सा क्लिप बना रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो गाइज आ गई हूँ मैं घर, और घर आते समय टाइम हो गया था डिनर बनाने का, तो मैं आप लोग के साथ बात नहीं कर पाई थी, मैं खाना बनाने में लग गई थी। कुकर हमारा सीटी दे रहा है, चावल हमारा बन के रेडी हो चुका है, मैंने सारा खाना बना लिया है। इसमें मैं रखी हूँ दाल, और इसमें भी दाल है बिना छौंक लगाए हुए, ये मेरी दोनों नंदों के लिए है जो डाइटिंग पे हैं लोग। और इसमें मैंने रखा है आलू और भिंडी का भुजिया, और इसमें है राजमा, राजमा का सब्जी बना था सुबह में तो बचा हुआ था, तो इसे मैं रखी हूँ, खा जाऊँगी अभी। और इसमें मैंने रखा है रोटी। तो सारा हमारा खाना रेडी हो चुका है, आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। हेलो गाइस, तो देखा आप लोगों ने डिनर मैंने बना लिया है, और चलिए अब मैं आप लोग से रूम में बात करती हूँ, बताती हूँ कि आज मैं गई थी मार्केट, आज का दिन संडे है आज, तो मार्केट गई थी आज मैं, और आके मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि वो वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था धूल उड़ के, इस वजह से चेंज कर ली थी। तो चलिए अब रूम में चल के आप लोग से बात करती हूँ। हेलो गाइस, तो आ गई हूँ अब रूम में, डिनर मैंने बना लिया, दिखाया आप लोगों को। वैसे मार्केट से आई थी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, शाम हो गया था, शाम के 6 बज गए थे, तो टाइम नहीं था बिल्कुल भी, टाइम हो गया था डिनर बनाने का, तो मैं गई थी डिनर बना के आ गई हूँ। और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि वो जो ड्रेस मैं पहन के गई थी, वाइट कलर का कुर्ती है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, धूल उड़ रहा था बहुत ज़्यादा रोड पर, तो उस वजह से बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने उसे चेंज कर दिया है। और वैसे भी उसे मैं घर में नहीं पहनती हूँ, जब कहीं जाना होता है, कॉलेज जाती हूँ या फिर कहीं बाहर जाती हूँ तभी पहनती हूँ, क्योंकि वाइट कलर का कपड़ा घर में पहन के काम करने में फिर कुछ दाग वगैरह लग जाता है, तो वो छुड़ाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए मैंने उसे चेंज कर दिया है और ये वाला कुर्ती पहन लिया है। तो आज संडे है और मैं गई थी मार्केट, आप लोगों को दिखाई थी मैं जब जा रही थी, तो क्योंकि डेली कॉलेज जाना होता है, 10 बजे से जाती हूँ मैं और आती हूँ 5:30 बजे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता कि कुछ एक्स्ट्रा में कुछ अदर काम कर पाऊँ, तो इस वजह से मार्केट नहीं जा पा रही थी, बस डिले हो रहा था। मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, तो उसी के लिए मैं गई थी शॉपिंग करने, तो अपने लिए मैंने कुछ लिया है, मैं आप लोग को दिखाऊँगी। और कैसा लगा आप लोगों को अमीनाबाद का मार्केट? यहाँ लखनऊ में अमीनाबाद बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर शॉपिंग करने, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और हम लोग अपना बाइक पार्क करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त से पार्क हुआ था, लगभग 1 घंटा लग गया था, इतने ज़्यादा ट्रैफिक थे कि मतलब आने जाने का भी, पैदल चलने का भी रास्ता नहीं था। ऊपर से आज संडे था और हम लोग को मतलब ये माइंड भी नहीं था कि आज संडे है, संडे के दिन अमीनाबाद मार्केट जाओ तो फिर हालत ख़राब हो जाती है, बट ध्यान नहीं था इसलिए आज हम लोग चले गए। और वैसे मुझे टाइम भी नहीं है, कॉलेज तो डेली जाना होता है, इसलिए टाइम भी नहीं मिलता है, तो संडे कहीं हम लोग सोचे चलो संडे को ही चलते हैं, बट भीड़ था, चलिए कोई बात नहीं, जो लेना था मुझे मैंने ले लिया है। बहुत हम लोगों ने मार्केट में घूमा, उसके बाद एक दुकान में गए तो थोड़ा एक चीज़ पसंद आया तो वही लिया हमने, तो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरा तो प्लीज़ आप लोग
लाइक कर दिया कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं कि पढ़ के मन खुश हो जाता है एकदम, और बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है मार्केट से। ये देखिए इसमें क्या है, दिखा रही हूँ आप लोगों को खोल के। ये देखिए ये है मेरा ड्रेस, बहुत ही प्यारा ड्रेस है, आज यही मैं खरीद के लेके आई हूँ। अभी आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये है मेरा सुंदर और बहुत ही प्रिटी ड्रेस, ये मुझे 3 पीस में अवेलेबल हुआ है। ये देखिए बहुत ही प्रिटी है, और इस पर बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, और इसका क्वालिटी भी बहुत मस्त है। दिखाती हूँ मैं आप लोग को, ये फर्स्ट वाला है सरारा, सरारा या गरारा जो भी बोले, और सेकंड वाला है सलवार जो अभी मुझे स्टिच करवाना पड़ेगा, और साथ में दुपट्टा भी है। और ये काफ़ी प्रिटी लग रहा था कैमरा में, इसका कलर पता नहीं क्यों चेंज हो जा रहा था, बट इसका रियल कलर बहुत ही प्रिटी है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगा, और इस पर बारीकी से वर्क किए हुए हैं जो काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं। ये देखिए यही है सरारा गरारा जो भी बोले, और इसकी जो डिज़ाइनिंग है बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, वैसे ये मेरे पसंद का नहीं था, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये ड्रेस, और मुझे कोई और ड्रेस पसंद थी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार तुम मेरे पसंद की ले लो, तो मैंने ले लिया। तो गाइस देख लिया आप लोगों ने मेरा ड्रेस, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ड्रेस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी अनस्टिच्ड है, अभी इसको सिलवाना पड़ेगा मुझे, ऊपर वाला जो सलवार है उसको सिलवाना पड़ेगा, नीचे का जो बॉटम पार्ट है वो सिला सिलाया हुआ है तो उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन जो टॉप पार्ट है जो सलवार है उसको मुझे सिलवाना है। तो जब सिल जाएगा तो मैं आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगी, अभी बस एक थोड़ा सा दिखा दी कि मैं क्या लेके आई हूँ, आप लोग देख ले। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मिलूंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।